चलिए शांत हो जाओ। अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर का, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में दो पोर्शन कराया था और उसका तीसरा पोर्शन बच गया था, जिसमें ए बताने की कोशिश कर रहा था कि रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस क्या होता है? तो रिएक्टेंस कुछ नहीं होता है, रिएक्टेंस प्रतिरोध को ही रिएक्टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड है? तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रुप सी में देखिएगा, तो आर का प्रतिरोध हो गया था, एल का भी प्रतिरोध हो गया था, लेकिन लास्ट में जो हमें बचा था वो सी का बच गया था। अंडरस्टैंड है? तो एक लगा लो हेडिंग, उसी के अंदर लिख लो हेडिंग्स, रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट। अब सी परिपथ का प्रतिघात है, सी परिपथ का प्रतिघात है, सी परिपथ का प्रतिघात है। चलिए अब अपने कलम को ड्रॉप करो, प्लीज समझना अच्छी तरीके से, अपने कलम को ड्रॉप करो। आज का लेक्चर काफी अच्छा जाएगा, काफी आज इसको काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलो यहाँ आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान देना यहाँ पर। अगर हम आपसे बात करें कि यह हमारा सी सर्किट से है, सी सर्किट, दिस इज द सी सर्किट, सी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज का जो समीकरण है वो ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी है, लेकिन जो करंट का जो समीकरण है वो है सी ओमेगा ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी अब प्लस पाई बाय टू। इधर देख लो अच्छी तरीके से, प्लस पाई बाय टू। अगर तूने कल का लेक्चर अगर नहीं भूला होगा तो तुम्हें याद होगा कि साइन के ठीक बगल वाला जो हिस्सा होता है वो आई नॉट होता है, मतलब कि पीक करंट होता है। इसका मतलब है यहां पर आई नॉट का जो मान होगा वो सी ओमेगा ई नॉट होगा। और तुम ये भी नहीं भूले होगे कि करंट तभी प्राप्त होता है जब वोल्टेज में प्रतिरोध से भाग दिया जाता है, यानी वोल्टेज भागा रेजिस्टेंस। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या तो भागा का चिन्ह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लाया जा सकता है। कैसे जरा देखो, तो आई नॉट बराबर हमने ई नॉट को रहने दिया, बटा इसको 1/c इंटू ओमेगा लिख दिया। यहां बैठा हुआ हर बच्चा को इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा कि इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यह है जो यह है। हाँ ने मेरे बच्चे, तो अब बताओ बिल्कुल पैटर्न मैच कर गया। यह आपका करंट है, यह आपका वोल्टेज है, और हमारे बच्चों को कल समझाया गया था कि वोल्टेज के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों यहां संभल जाओ, इस रेजिस्टेंस को एक नए नाम से पुकारते हैं जिसको कहा जाता है रिएक्टेंस। कल भी बात कहा था, कल भी कहा गया, खाली आर सर्किट में प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है,
सी सर्किट के प्रतिरोध को रिएक्टेंस कहा जाता है, एल सर्किट के प्रतिरोध को रिएक्टेंस कहा जाता है। तो इसका मतलब है, अब हम यहां पर रेजिस्टेंस कभी नहीं बोलूंगा, आज से इसका एक नया नाम देने जा रहा हूं, वो नाम देने जा रहा हूं रिएक्टेंस नाम देने जा रहा हूं। दिस इज द रिएक्टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, प्रतिघात कहते हैं। यहां तक मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। और पता है मेरे बच्चे, अब यहां पर क्या कर रहा हूं, इस तरह लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ सी सर्किट जिसको हम लोग रिएक्टेंस कहेंगे, आज से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सी। कल किसे रिप्रेजेंट किया था, एक्स एल से रिप्रेजेंट किया था, आज किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स सी। तो क्या एक्स सी बराबर क्या 1/ωc किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसको कहेंगे सी परिपथ का प्रतिरोध है। अगर आपको ऐसे नहीं बोलना है सी परिपथ का प्रतिरोध, तो आप इसको एक नया नाम दे सकते हो, सी परिपथ का प्रतिघात न रहे, प्रतिघात जिसको हम लोग एक्स सी से दिखाते हैं, और एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। अब बताओ, अब यहां पर बच्चे को कल वाले लेक्चर को और आज वाले लेक्चर को लिंक कर देता हूं। बताओ, सर्किट है तो प्रतिरोध होगा, बिना प्रतिरोध का सर्किट कैसे हो सकता है। तीन तरह का सर्किट है, आर सर्किट के प्रतिरोध को सीधे रेजिस्टेंस बुलाते हैं, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल सर्किट को हम लोग रिएक्टेंस बुलाते हैं, जिसको हम लोग एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कल फॉर्मूला आया था एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल आया था। हाँ ना मेरे बच्चे, और आज हमने सी सर्किट को देखा, तो इसके प्रतिरोध को हम भी रिएक्टेंस बुलाते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम एक्स सी से दिखाते हैं, और एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ωc। अभी राइट नहीं करना है, तो अब हमें क्या करना है, सबको एक साथ मिला देना है, सबको एक साथ मिला देना है। मेरे बच्चे याद करो, यह हमारा प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, माइनस वाई है। याद करो, जो प्लस एक्स रेजिस्टेंस के लिए रखा था, उसके प्रतिरोध को हमने आर से दिखाया। बताओ, यहां पर तूने किसका जगह दिया था, किसका दिया था, सी का दिया था ना, इसको हमने एक्स सी से दिखाया, और एक्स सी बराबर हो गया 1/ωc। बताओ, यहां पर तूने किसका जगह दिया था, यहां पर तूने एल का दिया था ना, तो यहां पर हमारे पास एक्स एल हो गया, और एक्स एल बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू एल। हाँ या ना जी। अब रुकिएगा, रही बात ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव दिमाग टेस्ट करता है, वो क्या करेगा, आपको याद दिलाता हूं। आपको याद है मेरे बच्चे, आज से कुछ दिन पहले हमने ओमेगा बराबर 2π/T कभी पढ़ाया हूं क्या, तो क्या इसको हम ओमेगा बराबर 2π/1/T कर सकता हूं क्या, ओमेगा बराबर 2π, क्या 1/T को क्या F जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो ओमेगा बराबर हो गया 2π F, जहां F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, आवृत्ति। तो बच्चा चल इसका एक नया रूप दे दे, जहां ओमेगा है वहां 2π f into c, इसका भी एक नया रूप दे दे, जहां ओमेगा है 2π f into l, इसका मतलब है एक्स एल बराबर 2π f l। कितना बर्दाश्त कर पाएगा यार छोटे से दिमाग में, आज पढ़ेगा कल भूलेगा, आज पढ़ेगा कल भूलेगा, उस तरह दिमाग डेवलप है नहीं। ये सब सिर्फ वो बच्चे यार ये सब ऊपर से पढ़ते हैं, जिसको कंपटीशन देना होता है ना, ये सब कहाँ से यार, आज पढ़ो कल भूलो, कुछ काम के नहीं ये सब है, सब हमको बेकार लगता है। क्या ठन्नी चमन्नी के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है यार,
है ना। चलो चलो लिखो यहां पर, जल्दी करो बेटो, लिखो जल्दी फटाफट। रिएक्टेंस दो तरह का हो गया, एक्सी एक एक्सएल। एक्सी का मतलब कैपेसिटर का प्रतिरोध है, एक्सएल अर कंठिया खोल कौची एक्सएल, कौची एक्सएल तरह बार बार कहियो बुद्धिवर्धक चूर्ण खो, बुद्धिवर्धक चूर्ण खो। ये पगला पगला है, जिससे हम समझावे हो ये पागलों को समझा देवे ना रे, तो वो कम से कम इतना कहीं भी जीते ये सब बोलते रहते, एक साल ऐसे करते रहते। तो सब साल समझदार हो करके किताबा के लैनिया लैनिया एक्सप्लेन कर दे, ई आई लो कहां से ई ऐसे गलो, ई ऐसे गलो। कभी किताब उठा देखे ना औंधे पता नहीं चलो की लिख ले, जो खाली खाली खदर बदर खदर बदर, खाली कभी एक्सेल हो गलो तो कभी एक्सपी हो गलो, कभी ये हो गलो तो कभी वो हो गलो। हो गया बेटा, ये प्रतिघात है, ये प्रतिघात है एक्सी बराबर वन बटा ओमेगा सी। ऑब्जेक्टिव का ये हर्ट है बेटा जी, अगर आपने यहां पर कंप्लीट कर लिया ना तो समझिए कि 14 से लेकर 15 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको परेशान नहीं होना होगा। क्या बेटा, अरे आते रहते बेटा, आओ कहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा ना, सिंपल आते रहता है क्वेश्चन। परीक्षा बाद भलो ही कह देते हैं कि सर नहीं पहले खीन है, लेकिन परीक्षा से पहले तक पढ़ाते हैं, हमको इतना याद रहता है। परीक्षा के बाद वही क्वेश्चन को माना जाता है कि पढ़ाए हैं जो ओकरा से बनले है, जो चिट्टा पुर्जा मिलले है, नहीं मिलले है तो साफ क्लियर कर दे है नहीं हो लो ये पढ़ाए, ऐसा तो नहीं पहले खुन है। अरे एक से एक अपना अपना है, हजार दिमाग है, हजार तरह का जजमेंट होता है, हर दिमाग वही सोचता जो उस लायक अपने लायक होता है, हर बंदा अपने लायक जैसा ही दूसरे को समझता है। चलिए हो गया बेटा, यहाँ पर हम लोग दिन इतना मेहनत कर करके कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऊपर से कभी नीचे समीकरण लिख देता हूं ताकि बच्चों को याद रहे हमेशा। चलिए करो बेटा जी, अभी ग्रुप नंबर आपका हो गया ए बी सी, अभी ग्रुप नंबर डी में प्रवेश करने जा रहे हैं।
ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है इस एंगल पर, ऊपर तुम्हारा रिएक्टेंस है सी सर्किट का, और उसका वैल्यू या तो ई होगा या तो ई होगा। ये आया कहां से है? तो आया है यहां से, यहां पर सिंस लगा लीजिएगा, चुकी करके लिखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें पहले पढ़ा चुका हूं, सिर्फ याद कराने के लिए हमने सिर्फ इतना लिखा है ताकि आपको याद आ जाए कि नहीं ये सब चीजें हमें पहले से पता है। सिंस ओमेगा बराबर 2π/T, हो गया बेटा जी। चलिए अब यहां पर आइए, ग्रुप नंबर डी में प्रवेश कीजिए। अब ग्रुप नंबर डी में क्या क्या पूछ सकता है ये देखिएगा सारे बच्चे, ग्रुप नंबर डी में आइए, ग्रुप नंबर डी आइए। चलो बच्चों इधर देखो, सारा बच्चा ग्रुप नंबर डी में प्रवेश किए। बेटा अगर रेजिस्टेंस का मात्रक, अगर रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है मेरे बच्चे, जिसको हम लोग ओम से दिखाते हैं, तो समझिएगा रेजिस्टेंस का भाई है रिएक्टेंस, दोनों कोई फर्क नहीं है, इसका भाई है रिएक्टेंस, यानी कह सकता हूं ये प्रतिघात वही है। इसका मतलब पूरा बच्चा एक लाइन में बोलेगा, बताओ इंटर में पूछा गया है, बताओ रिएक्टेंस का मात्रक निम्न में कौन सा होता है, तो रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा, क्योंकि यह प्रतिरोधे है, प्रतिरोध का ही एक दूसरा नाम है, तो इसका मतलब है इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। यह ग्रुप डी खत्म नहीं हुआ है, ये ग्रुप डी का 1 पॉइंट हो गया, इसे लिख लीजिए। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस सब बराबर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होगा, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अब ग्रुप डी में एक 2 नंबर का प्रश्न बड़ा फेमस होता है, बहुत बार पूछा गया है, वो क्या है वो समझाता हूं। इसी में ग्रुप डी में बहुत 2 नंबर का प्रश्न है, बस ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, इतना ही पूछेगा। अब 2 नंबर का प्रश्न क्या बड़ा फेमस है ग्रुप डी में ही, देखिएगा देखिएगा क्या है बेटा जी, उसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, देखिएगा एक क्वेश्चन पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणित प्रतिघात। ये जब भी पूछा गया है तो 2 नंबर में पूछा गया है, पहले इसको समझो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से समझो तब हम बात करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणित प्रतिघात, ये कुछ नहीं है, आ जाओ देखो सिंपल है, कैसे जवाब दोगे, जो पढ़ चुके हैं सर, यह हमारा एल सर्किट है, एल सर्किट है, लीजिए यह हमारा एल सर्किट है, यह एल सर्किट है, ये हमारा एल सर्किट है, एल सर्किट है, एल सर्किट है, अब बताओ 100% इसमें करंट का बहाव हो रहा होगा, 100% इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो जितना प्रतिरोध एल सर्किट में होता है उसी प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, बोल रहे एल सर्किट के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है,
और इंडक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग एक्स एल से दिखाते हैं, और एक्स एल बराबर हो गया ओमेगा सी और हो गया 2πfc, खत्म। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम के परिभाषा लिख दोगे बेटा जी दो नंबर के, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, सिंपल। एल सर्किट के जो प्रतिरोध होता है उसी प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, नहीं इंडक्टिव रिएक्ट, जिसको हिंदी में प्रिंट, इसका वैल्यू कितना होता है एक्सएल बराबर, अच्छा नहीं एक्सएल बराबर ओमेगा सी, एक बार समझियो, अरे दिल में समझते रहिए, अब तो याद करेगा कम से कम, गदा हवा। एक्सएल बराबर की और ओमेगा सी बराबर कितना, 2πfc, इसी कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इतना पूरा कंप्लीट लिखिएगा तो दो नंबर आपको चिपका देगा बगल में, अंडरस्टैंड है, तो पहले परिभाषा लिखिए। अब कहले कहां से आए है, ये मत पूछिए कहां से लो, ये डंडवम कॉपर लगल हो अरे हाँ, ये तो खुशी की वजह से बोले न अरे खुशी की वजह से ऐसे बोले नहीं, ऐसा तो समझिए, ऐसा तो समझिए, ये खुशी की वजह से बोले, ऐसे नहीं कि गलती लिख दे लिया हम सब। देखिए परिभाषा, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ, द रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, बेटा बात नहीं, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स एल। देखिएगा किसी एल परिपथ के प्रतिरोध को, किसी एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणित प्रतिघात कहते हैं, कहते हैं, इसे एक्स एल से सूचित किया जाता है, इसे एक्स एल से सूचित किया जाता है, किया जाता है। परिभाषा अगर कह देगा बेटा तो हमारा बच्चा आराम से लिख लेगा। इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी इंडक्टिव सर्किट के जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं या रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम एक्स एल से दिखाते हैं और एक्सएल का मान क्या होता है, तो हम लोग रटा गया, हम लोग को एक्सएल का मान क्या होता है, इसका मतलब है बेटा बेटा बात नहीं, नो पांच तारीख से ऑप्टिक्स शुरू, तो शुरू पांच को इंड करेंगे, तो जैसे इंड कराओ चाहे लाइव क्लास पढ़ के जैसे भी इंड कराओ, ऑप्टिक्स ही मैग्नेटिज्म होगा तो होगा, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया है। अब जो बच गया है जैसे ट्रांसफॉर्मर जो पिछले साल ही पूछा गया है उसको फटाफट पढ़ाएंगे। चलो चलिए आइए, इसलिए एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल या एक्स एल बराबर 2πf इंटू एल, द यूनिट ऑफ बेटा बात नहीं, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव
द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। प्रेरणित प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, हमने पहले ही आपको समझा रखा था, इसमें कहीं कुछ नहीं था, बस खाली आपको ये बताना था कि अगर आए तो कैसे लिखना है। अब लिखिएगा इंडक्टिव तो हो गया, अब कैपेसिटिव, तो परिभाषा तुम बता सकते हो कैपेसिटिव का? हाँ सर, सी सर्किट के प्रतिरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स सी बराबर 1/ωc और ओमेगा का मान 2πf। इसका भी मात्रक क्या होगा? ओम। बस लिखिए जी, जो बच्चा खुद से लिखना चाहे वो लिखने की कोशिश करे कम से कम। जो बच्चा खुद से लिखना चाहता है वो लिखिए, अपना लिखिएगा कैपेसिटिव CAPACITIVE कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम कहेंगे धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ये प्रतिघात लिखा हुआ है, ये प्रतिघात लिखा हुआ है। बनाओ डिफिनेशन अपने मन से। द रेजिस्टेंस ऑफ सी सर्किट इज कॉल्ड, सी सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब है बेटा जी, इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय किसी सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या मेरे बच्चों को यहां तक हो गया बेटा? कहीं कोई दिक्कत नहीं? और आगे का लाइन लिखते हैं जी, एकदम कुछ लिखते अपने मन से, कुछ आगे का लाइन लिखते कि एक्स सी बराबर 1/ωc, ओमेगा का मान अपने मन से लिखिए ना जी। ठीक है, एक्स सी बराबर
The unit of capacitive reactance is ohm. धारितीय प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। चलिए खत्म। इतना से आप कंफर्म मान लो कि मिनिमम की बात करता हूं, पांच नंबर का कोई ना कोई आपको बिठा जाएगा, है ना, इतना चिंता नहीं कीजिए। अब आगे बढ़ो, अभी तो मात्र तीन ही सर्किट हुआ है, अभी तीन सर्किट अभी आना और बाकी है। लगाओ हेडिंग्स, रुकना नहीं है, चलते रहो। लिखो हेडिंग, रुकना नहीं बेटा जी, क्योंकि पांच तारीख से पहले खत्म करना। अब कुछ भी टफ नहीं है, अब सब आसान आपके लिए मिलेगा, कुछ भी टफ नहीं मिलेगा। आ जाओ, चलो तैयार हो जाओ आज ही बेटा। अभी टाइम है, 10 मिनट का, 20 मिनट का टाइम है, आराम से। जब तक ये लाइव क्लास चल रहा है, अभी जब तक चलने दीजिए, और आप लोग बैठे रहिए आराम से, बस बस बस, कुछ नहीं करूंगा आपको। आ जाओ, लगा दो हेडिंग्स। मेरे पास अब कितना सर्किट और बच रहा है? पहला एलआर, सीआर और एलसीआर। अब तीनों इतना आसान है, इतना आसान है, क्योंकि मेन चीज खत्म कर लिए हैं। अब हम इधर आओ, लिखो पहले हाइब्रिड सर्किट, हाइब्रिड सर्किट, हाइब्रिड सर्किट, जिसमें पहला पढ़ना है आपको एल आर सर्किट। दूसरा पढ़ना है सी आर सर्किट। और तीसरा पढ़ना है एल सी आर सर्किट। चल लगा, कम से कम पहला खत्म कर। हम नहीं करेंगे, तू कर, हम खाली बोलेंगे, नहीं मतलब हम खाली सुनेंगे, है ना। तो एल आर सर्किट्स, लगा हेडिंग सबसे पहले एल आर सर्किट्स। ऐसे तुम लोग तो यार तेज में पढ़ने की आदत है रे, तुम लोग को रे, आज क्या हो गया? तो मतलब हमारा थोड़ा सा तेज की करते हैं तो नए नए मेमी आने लगता है। हो गया, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। चल ऐसे कंप्लीट कर। मेरे साथ देना, बेटा इधर आओ, लुक एट द बोर्ड्स, एल आर सर्किट्स। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द एल आर सर्किट? हम बताएंगे ऐसा सर्किट जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक हमारा इंडक्टर हो और एक हमारा रजिस्टर हो। लो अब आपके सामने जो सर्किट बन के तैयार हुआ है मेरे बच्चे, आपके सामने जो सर्किट बन के तैयार हुआ है वो एल आर सर्किट है। बताओ, दिस इज द एल, दिस इज द आर। क्या इसके प्रतिरोध को क्या हम आर से दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? अब हाँ या ना कर, तुम सीधे हाँ बोलिए, ना मत बोलिए, कि तो सब कुछ पता हो। अब एकर प्रतिरोध को क्या एक्स एल से दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा क्लियर कि सर वह परिपथ जिसमें इंडक्टर और साथ ही साथ रजिस्टर दो चीज लगा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल आर सर्किट कहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, इसका जो समीकरण है ई बराबर E नॉट इंटू क्या है, अरे बोल रहे साइन ओमेगा इंटू टी, साइन ओमेगा इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। पहले डायग्राम बना और परिभाषा लिख पहले तू। अब हम लिखते चलेंगे, ज्यादा समझाएंगे नहीं बेटा जी, अब हम आपको ज्यादा नहीं समझाएंगे, सिर्फ लिखते हुए चले जाएंगे बेटा।
इस परिपथ में दो चीजें हैं, एक इंडक्टर है और इंडक्टर के बारे में हमें अच्छी तरह नॉलेज है कि इंडक्टर क्या है, और दूसरा हमारा रजिस्टर है और रजिस्टर के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है। मतलब दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया है, एल आर परिपथ बनाया है। आपके सामने डायग्राम्स है और इसमें आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया क्या किया है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहले परिभाषा लिखिए तब आगे बात करते हैं। हमें फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, अब सेकेंड पॉइंट इसका परिभाषा लिख रहा हूं। द सर्किट हैविंग इंडक्टर having inductor, comma, register as well as AC voltage source, अरे साधारण as well as AC voltage source, AC voltage source। such circuit is called LR circuit। परिभाषा देने में पीछे मत रहना, इसको परिभाषा में कोई जान नहीं, ऐसे नहीं कि बैठ जाना कमरे में और दम दम धुनठिए देवे करना ये जिसमें रट जाना, ऐसा कुछ नहीं। इतना क्लियर दिख रहा है सामने, एल और आर आपको दिख रहा है, देखोगा हिंदी में। वह परिपथ है जिसमें प्रेरित्र तथा प्रतिरोध साथ ही साथ एसी वोल्टेज स्रोत होता है, एसी वोल्टेज स्रोत होता है, उसे एल आर परिपथ कहते हैं। एलआर परिपथ कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बस आप अपने कलम को ड्रॉप करो, अब जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बातें हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सी बातें, कोई भी इतना बात समझ सकता है। चलो अब जो बातें कहेंगे वो सिर्फ समझना अच्छे तरीके से। हो गया यहां तक, चलो अब शांत हो जाओ। अब इतना ही पढ़ाएंगे, इतना पढ़ा के छोड़ देंगे। देखो यहां पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो याद कर, तो सबसे पहले आपसे कहा था कि आपको डायग्राम बनाने के लिए आपको हमने इसी तरह की बात बताई थी, कहा था जरा देखो तो ये तुम्हारा आर रहता है, यहां पर बता यहां पर क्या रहता है, आए? यहां पर तुम्हारा एक्स एल रहता है, एक्सएल तो बोल ही सकता हूं, यहां पर क्या रहता है एक्स ही रहता है। तुम कौन सा सर्किट पढ़ रहे हो, एल एल आर सर्किट, तो जरा देखिएगा एल आर, तो एल आर सर्किट पढ़ने के लिए हमें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें L चाहिए और R चाहिए। देख लो अब, लो ग्राफ बन के तैयार हो गया। रुक गया अभी, अब जो बात कह रही हो एक ही बार बोलो, दोबारा नहीं बोलेंगे हम।
देख सुन समझाइए यहां पर, ये तुम्हारा इंडक्टर है और इंडक्टर का जो प्रतिरोध है एक्सएल है, और ये तुम्हारा रजिस्टर है और रजिस्टर का प्रतिरोध आर है। अब दोनों को मिला दिया, अब दोनों को मिला दिया, मिला दिया दोनों को मिला दिया, तो ये तुम्हारा एक्सएल हो गया और ये तुम्हारा आर हो गया। सुनिए एक बार बोलेंगे, एक बार से ज्यादा दोबारा नहीं बोलेंगे हम। अब तू बताओ, दो भाई है, दोनों भाई पहले अलग अलग कमाता था, एक 50 रुपए कमाया और एक 60 रुपए कमाया, पहले 50 तोर हो गलो और 60 हमर हो गलो। अब दोनों भाई मिल करके मिल गलियो, आओ मिल जो, तो आप बताएं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा 50 + 60 बराबर कितना 110। तो बताइए इंडक्टर के पास प्रतिरोध इतना रहा है ले, और रजिस्टर के पास प्रतिरोध इतना रहा है ले, अब दोनों मिल गए, और जैसी मिल गए तो आप बताइए सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना होता है, टोटल प्रतिरोध कितना होता है टोटल। अरे न जब तुरा आवा हो तो काहे वजन दे रहे जीव यहां पर कर मिले नीचे तो इतना सारे, अगर तोरा आवा हो तो 100% गारंटी दे कि दुनिया के बिहार छोड़ के दुनिया का हर आदमी का आवा होते, ये 100% गारंटी हो, चाहे वो बच्चा पैदा कहे ना भी हो ले है। अगर तुरा उसी आवा होता आइए 100% गारंटी दे लियो जो दूसरा का आवा हो वो तो नहीं आवा हो, देखना बता इतना अब संत रहते आराम से। हाँ देखिए टोटल रजिस्टेंस, तो टोटल रजिस्टेंस तो की करनी है अभी जो कह रहा नहीं एक्स एल और प्लस की आर, तुम करोगे कि नहीं करोगे? तब पता है जो टोटल रजिस्टेंस है ना उसको रजिस्टेंस नहीं बुलाते हैं, उसको इम्पीडेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इम्पीडेंस। कितना खतरनाक खतरनाक बातें आ रही है, देखिए पूरा के इम्पीडेंस, 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 और इम्पीडेंस का हिंदी हो गया प्रति बाधा, प्रति बाधा। एकरा मतलब है कि जो सुनिएगा, जो इम्पीडेंस होता है किसी भी परिपथ का टोटल प्रतिरोध होता है। जैसे आपने परिपथ बनाया, पहले तो अकेला अकेला था तो रिएक्टेंस है, तू भी रिएक्टेंस है तो प्रतिरोध है, अब क्यों हो गए मिल मिल के बन रहे हैं, मतलब एल मिल रहे हैं और आर मिल रहे हैं, दोनों मिल मिल के प्रतिरोध बन, दोनों मिल मिल के सर्किट बना रहे हैं, तो कुछ प्रतिरोध ई लेके आए ले और कुछ प्रतिरोध ई लेके आए ले। तो बताए तो एकर प्रतिरोध के हम रिएक्टेंस बोले कि नहीं बोले ही, और एकर प्रतिरोध के प्रतिरोध बोले कि नहीं बोले प्रतिरोध, तब पर रिएक्टेंस प्लस प्रतिरोध ना बोल करके इन दोनों को मिला देवल गए और मिला करके एक नया शब्द बनावल गए और नाम की है एमपी। एकरा मतलब है अब पूछा गलो कि इम्पीडेंस को परिभाषित करें और इम्पीडेंस का मात्रक बताएं, तो यहां पर भी इम्पीडेंस का मात्रक ओमे होगा। हाँ या ना? अब परिभाषा क्लियर है, परिभाषा क्लियर है, परिभाषा में क्या देंगे कि इम्पीडेंस सर कुछ नहीं होता है, किसी भी हाइब्रिड परिपथ का, किसी भी हाइब्रिड परिपथ का टोटल रजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, बोल रहे है? क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। अब सवाल ये आता है कि इम्पीडेंस का मान कैसे निकलेगा, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अंडरस्टैंड बेटा जी, लेकिन बच्चों को पता चल गया है कि इम्पीडेंस क्या होता है। अरे सर का घर कहाँ है रे, डाका मारोगे रे।